बीती रात डोमिनिका टेस्ट में विराट कोहली ने एक बॉलर पर ऐसे इल्जाम लगाए जो सुनकर सारे लोग चौंक गए और विराट कोहली की उस बात को रिवाइंड कर करके दोबारा सुनने लगे। दरअसल किसी को विश्वास नहीं हुआ कि विराट कोहली किसी इंटरनेशनल बॉलर पर इस तरह का कमेंट पास कर सकते हैं, वो भी वेस्ट इंडीज के कप्तान पर। क्रेग ब्रैथवेट जो कि वेस्ट इंडीज टीम के कप्तान हैं, वो किंग कोहली को बॉलिंग कर रहे थे, तभी अचानक कोहली ने यशस्वी जायसवाल को बताते हुए कहा कि ये तो भट्टा फेंक रहा है। भट्टा दरअसल एक इंडियन स्लैंग है, जिनके बॉलिंग एक्शन ठीक नहीं होते या जिनका बॉलिंग करते वक्त पूरा हाथ नहीं घूमता, उनके लिए ये स्लैंग इस्तेमाल किया जाता है। पर क्या इंटरनेशनल क्रिकेट में भट्टा बॉलिंग मान्य है? ऐसा नहीं है। अगर कोई टीम किसी बॉलर पर इस तरह की कंप्लेन करती है तो ICC उस बॉलर पर एक्शन ले सकता है। ऐसी स्थिति में बॉलर टेम्परेरी या परमानेंट बैन भी हो सकता है। इस तरह के कई काफी विवाद हमने पहले भी देख रखे हैं और सबसे रिसेंट सुनील नारायण बॉलिंग एक्शन विवाद था, जिसमें सुनील नारायण को इंटरनेशनल क्रिकेट खेलने से रोक दिया था, फिर उन्हें बॉलिंग एक्शन बदल कर ही क्रिकेट में वापसी करनी पड़ी। पर क्या भारत क्रेग ब्रैथवेट के खिलाफ ICC को कंप्लेन करेगा और क्या क्रेग ब्रैथवेट सच में भट्टा बॉलिंग करते हैं? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और इसी तरह की खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें।